ट्राई कर सके, जो आपकी गलतियों को सुधार सके, जो आपको ये बता सके कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। और थोड़ा समय रहा, अभी तो हम खाली प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है, और हमारी कोशिश है कि हम जल्द ही एक पब्लिशर बन जाए और जो नई किताब, नए लोग हैं जिनकी कहानी आ रही है, हम उन्हें पब्लिश भी कर सकें। इस सीरीज़ के अंदर ओपन माइक चल रहा है, फिर हम कॉलेजों में और स्कूल्स में जाके निबंध प्रतियोगिता करने वाले हैं, ऐसी चीज़ें धीरे धीरे चलती रहेगी। उसका पहला हिस्सा है कि हम ओपन माइक से शुरू कर रहे हैं ये कथांकन। तो अभी आपको सिर्फ करना इतना है कि यहाँ पे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कथांकन है, वहाँ पे आपको कथांकन को सर्च करना है, वहाँ लाइक का बटन होता है, कहीं पे अंगूठा होता है, कहीं पे से बेल बटन, वो आपको क्लिक कर देना है, आपको लाइक कर देना है कथांकन को और अपने दोस्तों से शेयर करना है, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे कथांकन उतने ज़्यादा ही आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हम आपसे और इस समय तो फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं ले रहे हैं कि आपको एटलीस्ट लोगों में शेयर करना, लोगों को बताना है कथांकन क्या करना चाहता है, और इसके लिए जरूरी है कि आप भी कथांकन से जुड़े रहें और आपको पता चलता रहे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और आज जितने भी लोग हैं, चाहे वो पहली बार हों या अगली बार हों, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। विचार मुझसे शुरू हुआ था और कारोबार बनता गया, लोग जुड़ते गए। इस समय हमारे पास पूरे देश में से 16 ऐसे लोग हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दूर रखते हुए, वो अपने व्यक्तिगत लाभ या हानि से परे हैं, जो साहित्य के लिए सोच रहे हैं, जो लोगों के लिए सोच रहे हैं, ऐसी टीम है जिसका नाम आप लोग। इसके लिए हमारा मारी चल रही है। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं चाहूंगा उर्मिला मैम, सबको जो अभी नए लिख रहे हैं, तो लिखते समय ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या लिखें, कैसे लिखें और क्यों लिखें, ये बताएंगी। और साथ में कि इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो क्या चीज़ें लिखने से क्या अंतर पड़ता है, या क्योंकि बहुत बड़ा सवाल होता है कि हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए, आपको लिखना क्यों चाहिए या पढ़ना क्यों चाहिए। बेसिकली जब मैंने इनसे पहली बार बात की थी तो इन्होंने मुझे इतना ही कहा था कि अगर तुम लिखना चाहते हो तो पढ़ो, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक पन्ना लिख सको तो कम से कम 10 किताबें पढ़ो, तो वो क्यों ज़रूरी है या जीवन में उसका क्या महत्व है। तो वो सारी चीज़ों पर प्रकाश देंगे, उसके बाद हम ओवर माइक शुरू करेंगे। और आजकल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसे मार्केटिंग करना है। कथांकन ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसका एक अकाउंट है। अभी तो फिलहाल आपको ये करना है, अभी नहीं, यहाँ से फ्री होते ही, कि आपको सारे सोशल अकाउंट पे फॉलो करना है, लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है, जो जो सिस्टम हो उसके, क्योंकि आप कथांकन से जुड़े रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कथांकन आगे क्या करते जा रहा है। और एक चीज और कथांकन कर रहा है, वो कर रहा है प्रमोशन। हम जो नए लोग हैं, जो राइटर्स हैं, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारा जो पिछला एपिसोड था कानपुर में, वहाँ पे हमारे पास एक राइटर थे, ब्रजेश कुमार पाठक, उसमें किताब होगी ब्रजेश कुमार पाठक जी, उन्होंने ये किताब लिखी है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ कॉमन बॉय। मैंने 204 तक पढ़ लिया है। एक लड़का है जो MBA करने गया है और MBA छोड़ के सब कुछ कर रहा है। कैरेक्टर का नाम प्रेम है, दूसरी कैरेक्टर जिया है। अब आगे उनके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सरल भाषा है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, और जो हिंदी पढ़ते हैं जिन्हें अंग्रेजी में बात बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती, मेरे जैसे लोग, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत, आपको डिक्शनरी नहीं लेनी पड़ेगी। शशि थरूर ने इसे बिल्कुल नहीं लिखा है। तो आप कभी पढ़ना चाहें, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको इसका जो गूगल वो अमेजोन है उस पर जाके रिव्यू देना है, और ताकि उनको भी लगे कि हाँ लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं। और इस समय हमारे बीच एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो हमारे साथ मस्ती मस्ती में उसने अपनी किताब निकाल दी, हमें पता ही नहीं चला, हालांकि पता चला, उसने हर इवेंट में उसने बताया था कि उसकी किताब आ रही है। जोरदार स्वागत कीजिए आज के जो ओपनर हैं, वीरेंद्र सहवाग, चंदन चौधरी, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। मैंने अंग्रेजी बस उतनी लिखी है जितनी एग्जाम में लिखनी होती थी। इन्होंने पूरी बुक लिख दी है, बुक का टाइटल है 2 ग्लास ऑफ वाइन, सॉरी कपल ऑफ वाइन ग्लासेस।
ठीक है आप वही है मुझसे और कितना चाहते हो कितने मेरी बोलो बुक क्या है बुक में क्या लिखा है कैसे उपलब्ध है क्या करना है सब ये बताएंगे और इसके बाद में ये कुछ सुनाएंगे कि तो पहले ये दुनिया बना दी कि बादल पे एक ने अपने प्रेम का खुद तस्वीर बना कर भेजी तो मजाक उड़ना शुरू हुआ कि ऐसा कभी हो सकता है कि आप बादल पे चित्र बना के भेज ऐसा कैसे हो सकता है कि बादल का आप तस्वीर बना के भेजो फिर जब हम युग में आए हमारे हाथ में मोबाइल हुआ फिर आजकल जो हम GIF और MMS बना के भेजना शुरू करते हैं उसी का एक रूप था तो साहित्य और विज्ञान ये है कि सोच हमें कला देती है साहित्य हमें सोचना सिखाती है और विज्ञान उस सोच को सच करता है बस इतना समझ आजकल मार्केट में अच्छे से नहीं कम्प्लीट किया देखो भगवान श्री कृष्ण को देखा है भगवान है मूर्तियां देखी है ना भाई इतने सा इतने साहित्य को कृष्ण के साथ में किसका नाम जोड़ा जाता है और शादी किससे हुई तो जब भगवान होकर अपनी प्रेमिका से शादी नहीं कर सकते ओ भगवान थे क्या क्या सोचे बैठे हो क्या मिलेगा और फिलहाल हम उस समाज में हैं उस समाज में हैं कि जहाँ पे मोहब्बत पढ़ाई तो जा सकती है मोहब्बत समझाई तो जा सकती है पर की नहीं जा सकती अभी बीच में रेम्बो बनना शुरू हुआ था पता है फेसबुक पे वो अमेरिका ने सेम कास्ट सेक्स वालों को उन्होंने वो दे दिया था तो रेनबो बनना शुरू हुआ तो ऐसी बात चली जिन्हें नहीं पता था गांव के बुजुर्ग लोगों ने भी फेसबुक पे रेनबो बनाया तो किसी ने पूछा भाई क्या है बोले अरे बारिश आ रही है इसलिए हमने तेरा इंद्रधनुष बना दिया तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है अब लड़का लड़का शादी कर सकते हैं लड़की लड़की शादी कर सकते हैं बोले अच्छा कास्ट देख लेना सेम कास्ट होने चाहिए कास्ट चेंज नहीं होना चाहिए और आप चाहते ऐसे ही कि एक कोई दो लाइन है कोई इतना याद नहीं है पर उसमें इतना था कि तुम लोगों ने मिलके उनकी सांसें छीन ली बस खता इतनी थी कि उन्होंने मिलके ख्वाब देखा था यहाँ पे पहली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है पर फिर भी ये है कि यहाँ पे जो लोग एक साथ एक ख्वाब देख लेते हैं उसको मुकम्मल करने के पहले उनकी मौत हो जाती है फांसियों पर चढ़ा दिया जाते हैं ऐसे समाज में रहने पर फिर भी मोहब्बत अपनी जगह है नहीं होता तो 5 रुपए का गुलाब 50 में नहीं बिक रहा होता खैर आगे बढ़ते हैं फिर से हमारे पास एक डेब्यूटेंट है पहली बार परफॉर्म करेंगे ये इन्होंने दो दो तीन तीन परिचय दिया अपना और मैं भूल चुका हूँ कंप्लीट है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी मेरी नहीं उनकी है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी आखिरी के दो लाइन काफी खास है कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी और नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी तेरी दाई आंख का नहीं मेरी बाई आंख का नसीब चमकदार कर दिया इस पार के पेड़ों ने उस पार कर दिया भाई वो तोहीन हो गया पी के आना पड़ेगा चार फेंक लगाने के बाद जब आदमी हिलता है वो अलग बात होती है वो तोहीन होगी पर खैर मैं कोशिश करता हूँ कि एक कस्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया एक बार कोशिश कर ले नहीं बिल्कुल नहीं एक बार हो जाए कस्ती अरे आप ही चला जाओ नहीं कोई नहीं मैं नहीं चाहता कि गलती से भी वो देखने के बाद वो ये सोच आत्महत्या कर ले कि मैं गंदा कोई कॉपी करता है उनको तो बिल्कुल नहीं कि उनके शेर ये है कि एक अस्थि तेरा नसीब चमकदार कर दिया इस पार के थपोड़ों ने उस पार कर दिया और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया मैं सही था कि ये स्लाइड शो चालू करवा सकते हैं आप से भी रोक सकते हैं और ये अब ऐसे शेर लिखने के बाद हमारा नंबर कहाँ लगेगा इसीलिए समझ गया कि दुश्मनी कहाँ है मुझे साथ बदलना पड़ेगा खैर आगे हमारे पास एक और डेब्यूटेंट है 16 साल हर शेर पे कुछ ना कुछ याद आता है आप लोगों के तो ये है कि मैं मनोहर राणा ने कहा है कि उर्दू की गजल गाता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है जैसे मौसी से लिपट जाता हूँ तो माँ मुस्कुराती है तो हिंदी उर्दू में जो माँ का संबंध है वो और एक बहुत अच्छे शख्स उन्होंने कहा है कि अगर आपको मोहब्बत करना हो तो उर्दू सीख लो और उर्दू सीखना हो तो हमारे पास एक ऐसा शख्स है